Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब तुम मेरी बेटी बन गई हो, ठीक है? आओ, फिर गले लग जाओ। So much. शाबाश। देखो, मुझे पैसे दे दो, मैं वरना तमाशा कर दूंगा यहाँ पे। खुदा के वास्ते, प्लीज कोई तमाशा क्रिएट मत करो। तुम ऐसे नहीं मानोगी, लगता है मुझे तमाशा करना ही पड़ेगा। ये रुको, लो और यहाँ से जाओ। स्लीप, लीव। And the cow said, मौ, मौ, क्या? नहीं अभी तो। बोरा गुड्डू, हेलो गुड्डू, हेलो बुबू। ओके, ओके, बाय बाय बीवी, बाय गुड्डू। अच्छे से पढ़ना, वो तंग नहीं करना, टीचर को तंग नहीं करना। तंग करे ना तो मुझे बता देना। ओके, बाय बाय। चलो बीबी अंदर चलो। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। चलो ना। अरे तुम जाओ, मैं आ रही हूँ ना। मैं तुम्हारे कब से वेट कर रहा था। मैंने क्या कहा? तुम अंदर जाओ। दे, पे, और पे के नीचे आते हैं तीन नुक्ते। हेलो गुड्डू। हेलो बुबू। बीबी कहाँ है? पता नहीं। पतन, पतन वो तो आपके साथ होती है ना? लेकिन आज ही नहीं। अब क्या बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। वो स्कूल में भी नहीं थी, क्लास में भी नहीं आई, तो मतलब वो स्कूल ही नहीं आई। लेकिन स्कूल तो आई थी ना, मैंने आपके सामने स्कूल छोड़ा था मॉर्निंग टाइम। आप छोड़ के तो गए थे, लेकिन वो गायब हो गई। नो नो, बीबी गायब नहीं हुई, आप झूठ बोल रहे हो ना? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। नो नो, गुड्डू झूठ नहीं बोलते, जो झूठ बोलता है इंस्टेड हो जाते हैं उसके। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। नो, आप झूठ बोल रहे हो, मैं तो आपके सामने सुबह छोड़ के गया था ना बीबी को। हेलो गुड्डू। हेलो बीबी, अब कहाँ चली गई थी? वो मैं क्लास में थी, थोड़ा सा लेट हो गई। घर चले? चले, चलो गुड्डू चले। बीबी, आप कहाँ थी? स्कूल में। नहीं, आप स्कूल में नहीं थी। स्कूल में ही थी। तो आप क्लास में क्यों नहीं आई? आई थी। फिर भी आप बताएं कि साइंस के टीचर ने क्या पढ़ाया? मैं स्कूल में भी थी, क्लास में भी थी, और साइंस का पीरियड भी अटेंड किया था, समझ गए? रुक क्यों गए? जल्दी चलो ना। रुक क्यों गए थे? ओके। जोजी आंटी, खाना। ओफो बीबी, कितनी बार बोला हुआ है, स्कूल से आके पहले कपड़े तो बदल लिया करो। पहले खाना दे, फिर सब कुछ हो जाएगा। हाँ यस, थक गए बहुत। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। ओके, जल्दी। बीबी जी। यस बुबू। वो आपको पता है, जो बच्चे ना स्कूल नहीं जाते वो लोग बहुत बैड हो जाते हैं। वो होटल है ना? हाँ,
वहाँ पे ना आज एक गर्ल थी, वो अपने बाबा जी से ना बहुत मिसबिहेव कर रही थी। हाँ, बात नहीं मानती थी उनकी, तो जो स्कूल नहीं जाते ना वो वैसे हो जाते हैं। और रिपोर्ट कार्ड होती है ना स्कूल वाली, उस पे स्टार्स भी कम हो जाते हैं, नो स्टार्स। लेकिन मैं तो स्कूल जाती हूँ ना। नो, मैं आपका नहीं बोल रहा, वो जो नहीं जाते ना स्कूल उनका बोल रहा हूँ मैं। आप तो गुड हो ना। हाँ, बूबू की बेटी बहुत गुड है। क्या हुआ हैंड्स को? कुछ नहीं, हैंड्स दिखाओ। कुछ नहीं हुआ बूबू। हाँ, सही है ना? जोजी आंटी, खाना। हाँ यस, लंच। बीबी, क्या है? वो मिस ने जो होमवर्क दिया है उसके अंदर से थोड़ी हेल्प कर दोगी? अभी मैं होमवर्क नहीं कर रही, अभी मैं कार्टून देख रही हूँ, प्लीज। मैंने कहा ना अभी नहीं, मैं होमवर्क नहीं कर रही, मैं कार्टून देख रही हूँ। हेलो। जी सर मामा। क्या हो गया बेटा, 2 घंटे हो गए तुम ये टैबलेट से क्या कर रही हो, कार्टून देख रही हो? कितनी बुरी बात है, क्यों आज वो होमवर्क वगैरह नहीं मिला आपको? मामा, आज किसी सब्जेक्ट का होमवर्क नहीं मिला। अच्छा, होमवर्क नहीं मिला तुम्हें? हाँ, और वो तुम्हारी कौन सी टीचर है वो मैथमेटिक की, तो उसने भी कोई होमवर्क नहीं दिया जो ढेर सारा होमवर्क दे देती है? वो तो आउट ऑफ कंट्री है ना। आउट ऑफ कंट्री? मैं नीचे सब्जी लेने गई थी तो वो मोहल्ले वाली तो कह रही थी कि उसको चिकनगुनिया हो गया, वो घर में छुपी हुई है। और इधर मेरी बात सुनो, क्या है इसमें ऐसा, इधर देखो मेरी तरफ। अच्छे बच्चे स्कूल से आके अपना सबक जरूर रिवाइज करते हैं, क्योंकि बेटा जरूरी नहीं है कि ट्यूशन ही पढ़ा जाए, अपने सबक को देखो पढ़ो। आज ये काम नहीं आएगा, आपके काम आपकी तालीम आएगी। और वो भाई को आपने कितनी बुरी बात है मुझसे कह के उनको यहाँ ठहराया, और आज उसकी हेल्प नहीं कर रही हो। जाएं जाके उसको सॉरी करें और उसको होमवर्क करवाएं। गुड गर्ल, स्टैंड अप, गुड, चलो। ठीक है, मैं आती हूँ। इसमें कौन सा ऐसा कार्टून है जो मेरे घर के कार्टूनों को नहीं पता चल रहा है? पहले आप जाओ। नहीं, पहले तुम जाओ। गुड्डू, मैंने कहा ना पहले आप जाओ। हेलो, हेलो, क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो? नो, इट्स फाइन। कोई प्रॉब्लम तो है? नाउ वे फ्रेंड्स, मुझे बताओ, फ्रेंड से कोई बात नहीं छुपाते। हाँ, वी आर फ्रेंड्स। वो बीबी जी है ना, मेरी बेटी, बूबू की बेटी। क्या हुआ बीबी को? नो, उनको कुछ नहीं हुआ, वो ना मुझे लगता है वो स्कूल नहीं जा रही आजकल। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं ना रोज गुड्डू और बीबी को मॉर्निंग टाइम स्कूल छोड़ता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो क्लासेस अटेंड नहीं कर रही। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो गुड्डू है ना आपका सन, वो बोल रहा था कि ना बीबी जी क्लासेस में नहीं दिखती और ब्रेक टाइम में भी नहीं दिखती। अच्छा चलो, तुम टेंशन नहीं लो, मैं गुड्डू से कंफर्म करती हूँ, अगर उसने मुझे कुछ ऐसा बताया तो फिर हम बीबी को हैंडल कर लेंगे। ओके, डोंट वरी। पक्का? आई प्रॉमिस। प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। वो क्या होता है? कुछ नहीं होता है, तुम रिलैक्स करो।
ओके मैं जाऊं? आप जाओ, कर देना प्लीज। आई प्रॉमिस। ओके डिफिकल्टीज आ गया, हाँ भी करूंगा। एंड क्रॉस बुक। न्यू बुक। दिव्या आपकी तबीयत खराब है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो फिर बुक रीडिंग करनी है ना? हाँ, मुझे स्टोरी बुक नहीं पढ़नी, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो क्यों नहीं पढ़नी भाई, इतना मजा आता है ना, मुझे तो बहुत मजा आता है, आपको नहीं आता? हाँ अच्छा मैं ऐसे सुना देता हूँ। There was a farmer, he faced difficulties in Stop Babu, आपको समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं पढ़नी स्टोरी। चलो लेट हो गया, बहुत लेट हो गया, मुझे जाना भी है ना। ओके बीबी, ओके गुड्डू, कम हियर, बाय। जाओ अंदर जाओ। आप नहीं जाओगे? मैं चली जाऊंगी। और आपको होटल नहीं जाना, लेट नहीं हो रहे आप? हाँ लेट हो गया हूँ। आप चली जाओगी ना अंदर? जी पक्का? पक्का। ओके गुड्डू, ओके बाय। चलो पहले तुम जाओ। पहले आप जाओ? नहीं पहले तुम जाओ। गुड्डू मैंने कहा ना पहले आप जाओ। और चिकन नगेट्स विद मेयोनीज। सॉरी, बेस्ट ऑर्डर आपका, बेस्ट ऑर्डर है। खाएं? वन मिनट, इम्पोर्टेंट कॉल, ले लूं। ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग न्यू प्रिंसिपल, हाउ आर यू? बीबी की तबीयत खराब है? नोनू सुबह तो ठीक थी ना? अब नहीं पता। मैं कैसे पता करूंगा, वो तो स्कूल में है ना। नोनू वो स्कूल आ रही है, मैं तो रोज छोड़ता हूँ ना उनको मॉर्निंग टाइम में स्कूल। बीबी जी है ना बूबू की बेटी, वो ना स्कूल नहीं जा रही। हाँ
मैं रोज छोड़ के आता हूँ स्कूल, लेकिन शायद वो अंदर नहीं जाती और ना वो झूठ भी बोलने लगी है। अब एविडेंस एविडेंस, कोई एविडेंस है तुम्हारे पास? सबूत? परी, तुम्हारे पास कोई सबूत है? ये परेशान सही कह रहा है? नहीं, उसके पास भी कोई सबूत नहीं है वैसे। नो, लेकिन मेरे पास तो है ना ख्याल। क्या सबूत है? वो गुड्डू है ना, हाँ ये वाला, और प्रिंसिपल थोड़ी नीचे, थोड़ी और, हाँ प्रिंसिपल, वो लोग भी बोल लेते नहीं आती। हो सकता है ये दोनों लोग झूठ बोल रहे हो। पर गुड्डू और प्रिंसिपल झूठ क्यों बोलेंगे? जेलसी, हसद। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान किसी की कामयाबी पे हसद करने लग जाता है, उसे जलता है, अंदर की आग निकालता है, आग, फायर। ये परी पूछ रही है कि ये अंदर की आग कितनी अंदर होती है और ये कैसे बुझती है? पानी से बुझाते होंगे। पानी से? यू आर राइट। एक मिनट, एक मिनट। क्या कर रहे हो? पहचान बुझ गए। पहचान? परेशान? क्या हो गया? पहचान आग नहीं है, पहचान आग नहीं है, आग नहीं है। कर दिया सारा। पहचान आग नहीं है, बीबी, गुड्डू या प्रिंसिपल कोई झूठ बोल रहा है। बखिदमत जनाब केएमसी के एडमिनिस्ट्रेटर, हमारे इलाके में गटर खुले हुए हैं। जी मामा। जी जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपने बुलाया था? हाँ बेटा बैठो, मैं यहाँ लिखना था सलाम अलैकुम, मैं तुम्हें सलाम कर रही हूँ बेटा। पता नहीं क्यों तुम पे कुछ ज्यादा ही भरोसा हो गया और तुमसे मोहब्बत भी बहुत हो गई है। तुम्हें कोई तकलीफ वकलीफ तो नहीं है ना? कोई मुश्किल किसी ने कुछ बोला हो? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और मैं समझती हूँ तुम मेरे कुछ मसलों को हल कर सकती हो। अब देखो ना, इस घर में सारे पागल रहते हैं, उसमें एक बच्ची जरा जो नॉर्मल है उसने भी पागलों वाली हरकतें शुरू कर दी हैं। यानी ये जो बीबी है, ये वक्त पे स्कूल जाती थी, होमवर्क करती थी, बल्कि ट्यूशन पढ़ने भी जाती थी, नॉर्मल ही नहीं रही। अब रात को देखो, वो गुड्डू को उसने डांट दिया, वो होमवर्क करना चाह रहा था, वो टैबलेट लेके बैठी हुई है, उसमें कार्टून देख रही है, हालांकि इस घर में कार्टून कम है। बस अब तुम्हें उस बच्ची पे नजर रखनी है। तुमने ये देखना है ये बच्ची इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई है, पढ़ाई में भी दिलचस्पी नहीं ले रही और वही हरकतें कर रही है जो ये पागल करते हैं। तो कहीं ये बच्ची पे कोई पागलपन ही का तो कोई दौरा नहीं आने वाला, या फिर ये किसी जिद में ऐसा कर रही है? तुमने ये नोट करके मुझे बताना है, मैं बहुत परेशान हूँ बेटा। बीबी, आपने होमवर्क कर लिया? हाँ कर लिया, क्यों? आप मुझे दिखाएगा जरा? तुमने अपना होमवर्क नहीं किया जो मेरा होमवर्क देखना चाह रहे हो? नहीं, वो तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था। यार तुम अपनी बारी चलो, बल्कि अब तो मेरी बारी है, इधर दो। परेशान जी, हर वक्त अपने काम में लगे रहते हैं, कभी इधर उधर भी देख लिया करें। इधर उधर क्या मतलब? मेरा मतलब है हर वक्त टैबलेट में कुछ ना कुछ सर्च ही करते रहते हो, कभी इधर उधर भी देख लिया करो ना। सर्च? एक तो तुम्हारी इंग्लिश भी ठीक नहीं है और उर्दू भी ठीक नहीं है। वर्ड होता है सर्च, सर्च। मैं रिसर्च कर रहा हूँ। है वाकई? वो बीबी को मोबाइल चाहिए था, अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च ऑनलाइन चीजें सस्ती मिल जाती हैं और अच्छी भी मिलती हैं। हाँ वही वही। बीबी को मोबाइल चाहिए? परी, मिला कोई मोबाइल? नहीं, इसमें मोबाइल बहुत, मोबाइल नॉट मोबाइल, मोबाइल। वही वही मोबाइल। नहीं पहले बोलो मोबाइल। मोबाइल? यस। हैं, मैं बहुत महंगा मिल रहा है, 30,000 का, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। 30,000 का मोबाइल? 1,000। वैसे मैंने शहरोज को बोला है कि वो बीबी के लिए एक
अच्छा सा मोबाइल लेके आए। ओए होए, बोल भी किसे दी है जिसे खाने के अलावा खुद कुछ नहीं आता। बात तो तुमने वैसे ठीक ही किया जोजी। सर्च करें। ठीक कह रही हो तुम, अक्लमंदों वाली बातें करती हो तुम। सर्च करें। कर लूंगा मैं। परेशान जी कहाँ जा रहे हो? परेशान जी, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? वक्त भी कैसे गुजर जाता है, कब बचपन गुजरता है और लाके जवानी की दहलीज पे खड़ा कर देता है, और फिर जवानी कब बुढ़ापे के किनारे लाके खड़ा कर देती है कुछ पता ही नहीं चलता। तीन बहनें, एक इंग्लैंड में, एक चाइना में, और एक सबसे अच्छी जगह अल्लाह मियाँ की घर पर। वक्त ने कहाँ लाके खड़ा कर दिया मुझे। घर में ऐसे बच्चे रहते हैं जो मेरे कुछ भी नहीं लगते और मेरा सब कुछ बन गए, मेरे अपने मुझसे इतने दूर, इतने दूर। 3 बज गए। लंदन में तो इस वक्त सुबह होगी। बानू का फोन क्यों नहीं आया? अभी तक उसने फोन नहीं किया। फोन कहाँ गया? जोजी, जोजी, बुबू, बीबी, टेलीफोन कौन ले गया यहाँ से? अब सब गंदे, किसी को मेरा ख्याल नहीं है। बुबू भी गंदा है, ना उसने आज मुझे तैयार किए, ना मेरे बाल बनाए हैं और ना मेरी लेसेस बांधी है, और अब मैं ऐसी स्कूल जा रही हूँ। अरे किसने उठाया फोन? ये वक्त है मेरी बहन का फोन आता है मेरे घर में और इसी वक्त किसी ने टेलीफोन ले लिया। अरे जोजी, फोन कहाँ है? दिमाग खराब कर दिया मेरा, फोन कहाँ है? वो जब मैंने शाम में सफाई की थी तो आपके कमरे में था, अब पता नहीं कहाँ चला गया। अरे तो मेरे कमरे में तो अभी तक क्यों नहीं आया फोन? पैर रख गया उस पर। लड़की कहाँ से आ रही हो तुम? तुमने देखा मेरा फोन? नहीं, मेरे पास तो नहीं आपका फोन। देखो, अगर किसी से मुझे पता चला ना तुम में से किसी की शरारत है तो बहुत बुरी पेश आऊंगी मैं। अरे ये कहाँ से लेकर आ रही हो मेरा फोन? मुझे नहीं पता सेठ मामा, ये तो मुझे मेरे कमरे में से मिला है। कमरे में से? वो मैंने रखा था बीबी के कमरे में। क्यों ख्याल अंकल? वो बीबी को फोन चाहिए था ना। क्या मतलब मुझे फोन चाहिए था? वो दरअसल हमें लगा कि बीबी को फोन चाहिए, इसलिए ख्याल मोहम्मद ने आपका फोन उठा के बीबी के कमरे में रख दिया। परेशान अंकल, आपसे कौन कह रहा है कि मुझे मोबाइल चाहिए? वो अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च बुबू कह रहा था। बुबू कह रहा था कि बीबी स्कूल नहीं जाती, बीबी पढ़ती नहीं है। हमने सोचा कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, पढ़ते नहीं है, उन्हें किसी चीज़ की जरूरत होती है, इसलिए हमने सोचा बीबी को मोबाइल चाहिए। पागल के पुत्र, तुझे किसी ने ये नहीं समझाया कि ये रेंट लाइन वाला फोन है, हैं? इससे कोई मोबाइल का काम लिया जाता? चल लगा, चल उधर कमरे में लगा, लगा, चल लगा। इतना गुस्सा, प्लीज आप जाएं यहां से, मुझे आपसे बात नहीं करनी। बीबी, हम दोनों तो फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं। चलो मुझे बताओ बेटा, तुम क्यों रो रही हो? जब आपने मुझे उधर स्टोरी बुक दी थी तो मैं ले तो गई थी, लेकिन जब मैं लेकर गई,
हेलो हेलो बुबू, मुझे तुमसे बीबी के बारे में कुछ बात करनी है। बीबी के बारे में? मुझे तुम्हें उसकी नाराजगी की वजह बतानी है। हाँ, वो क्यों है मुझसे नाराज? बुबू, तुम्हें याद है एक दिन तुम उसको एक स्टोरी सुना रहे थे बुक से पढ़कर? न्यू वाली बुक? I think so. खैर, तुमसे सही पढ़ी नहीं जा रही थी, तुम्हारी प्रोनाउंसिएशंस भी सही नहीं थी। बीबी बहुत हर्ट हो गई थी। देखो, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। बीबी इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट। उसके हर टेस्ट में फुल मार्क्स आते हैं। प्रेजेंटेशंस वो इतनी अच्छी बनाती है। शी एक्सेल्स इन एवरीथिंग। हर साल उसको बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। तुम्हें पता है उसको डर है कि उसकी एजुकेशन तुम दोनों के बीच में ना आ जाए। तुम्हें पता है उसको डर है कि कहीं वो ज़्यादा पढ़ लिख जाए तो तुमसे आगे ना बढ़ जाए और तुम दोनों के बीच कोई डिस्टेंस ना क्रिएट हो जाए। वो इसीलिए नहीं पढ़ती है, इसीलिए उसने स्कूल जाना छोड़ दिया है। लेकिन आई एम वेरी सॉरी बुबू, मुझे सिर्फ यही कहना था। गुड नाइट। गुड नाइट। पता है उसको डर है कि कहीं वो ज़्यादा पढ़ लिख जाए तो तुमसे आगे ना बढ़ जाए और तुम दोनों के बीच कोई डिस्टेंस ना क्रिएट हो जाए। वो इसीलिए नहीं पढ़ती है। बीबी, बीबी चलो मेरा बच्चा नाश्ता करो। मुझे नहीं खाना। नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते। देखो ना, नाश्ता कर लो, नाराज नहीं होते। अब सब गंदे, किसी को मेरा ख्याल नहीं है। बुबू भी गंदा है। ना उसने आज मुझे तैयार किया, ना मेरे बाल बनाए हैं और ना मेरी लेसेस बांधी है, और अब मैं ऐसी स्कूल जा रही हूँ। अरे क्या हो गया इस बच्ची को? जेबा माँ फिक्र नहीं करें, मैं समझाती हूँ बीबी को। खा ले। कोई एहसास है तुम लोगों को? किसी का दिल दुख रहा, कोई खफा है, खाने की बड़ी हुई है।
मुझे ऐसा लगता है कि ना बीबी जी को लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता। नो नो नो, कुछ नहीं आता तो ना वो इसलिए नहीं पढ़नी। नहीं 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 बुबू, मुझे बात समझ नहीं आ रही है। अगर उसको ये लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता तो उसने क्यों पढ़ाई छोड़ी है? वो तो नहीं पता क्या करें। मैम आपने मुझे बुलाया है? हाँ हाँ बैठो जी। हाँ जी। मुझे दरअसल आपको बताना था कि हमारे स्कूल की मैनेजमेंट एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है जो कैरियर डे के हवाले से है। उसमें तमाम स्टूडेंट्स के पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी कैरियर लाइफ के बारे में स्पीच देंगे। तो इसमें आप अपने फादर को भी लेकर आएँ, उन्हें भी आना है और एक छोटी सी स्पीच देनी है। मैम इस करियर डे में आना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को। जी हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। द फार्मर फेस डिफ 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 डिफिकल्टीज। जी मैम ठीक है, अब मैं जाऊं? जी आप जा सकती हैं। जी थैंक यू। गुड्डू चलो उठो, बीबी चलो चलो। अरे आप जाएं, मुझे बुबू लेने आ जाएगा, आप जाएं। बुबू ने मुझे भेजा है, उसको जरूरी काम है, मेरे साथ चलना है तुम्हें। आ जाओ चलो। ठीक है। बैग पहनो गुड्डू, अपना बैग पहनो। बैग आ जाओ। चलो चलो चलो। वाह बीबी, बैल टूच, हम खेलते बैल टूच। मुझे नहीं खेलना प्लीज बीबी, मेरे कैरियर में मुझे नहीं खेलना। बीबी बीबी जी, वो ना मेरी येलो टी शर्ट कहीं नहीं मिल रही। मुझे नहीं पता। आपको अंकल, हाँ अंकल, आप मेरे साथ बैल टूच खेलेंगे? हाँ खेलूंगा। आप मुझे मना नहीं करेंगे? नो नो, पेन के साथ खेलना है। चले चले चले। आलो मुझे दरअसल आपको बताना था कि हमारे स्कूल की मैनेजमेंट एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है जो कैरियर डे के हवाले से है। उसमें तमाम स्टूडेंट्स के पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी कैरियर लाइफ के बारे में स्पीच देंगे। तो इसमें आप अपने फादर को भी लेकर आएं, उन्हें भी आना है और एक छोटी सी स्पीच देंगे। नो, बूबू करियर डे में नहीं जाएगा। अगर वो करियर डे में आया और उसने स्पीच की तो मेरे फ्रेंड्स तो मेरा मजाक उड़ाएंगे ना। नो, मैं बुबू को करियर डे के बारे में बताऊंगी ही नहीं। वाओ गुड, ओ कोई बात नहीं। वाओ पीछे जीत गए आप। बीबी ने आपको बताया? बीबी क्या बताया? कैरियर डे के बारे में। कैरियर डे? यस, परसों से मैं कैरियर डे, और आपको पता है प्रिंसिपल ने सब बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया है। सब पेरेंट्स को? लेकिन पेरेंट्स को क्यों, वो तो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ना। सब पेरेंट्स बच्चों को इंग्लिश में स्पीच देंगे। इंग्लिश में देंगे? यस इंग्लिश में। वो अपनी जॉब के बारे में बताएंगे। जॉब्स के बारे में बताएंगे इंग्लिश में स्पीच? लेकिन बीबी ने तो मुझे नहीं बताया कुछ। आप खेलो। हाँ यस, स्पीच प्रिपेयर करनी है ना मुझे अब। हाँ इंग्लिश में जॉब की। आई एम वेटर। स्पीच करूंगा मैं भी। मुझे पहले ये बताओ कि हमारी ऑडियंस कौन है? बच्चे। हाँ यस। बड़े? हाँ? बड़े यानी? बड़े क्यों? बड़े तो टीचर्स होते हैं ना स्कूल में, बच्चे और बड़े टीचर्स। ओह यस, अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च
हमें स्पीच में ऐसी चीजें लिखनी चाहिए जो बच्चों को अच्छी लगती है, बच्चों को, बच्चों को। जैसे मीठी चीजें, जैसे शेक, वो फेवरेट शेक बुबू कौन सा तुम्हारा? मैंगो शेक माय फेवरेट। चॉकलेट भी तो है ना? वो भी फेवरेट है, मेरा दिल करता है मैं सब पी जाऊं। स्ट्रॉबेरी शेक, स्ट्रॉबेरी शेक है ना, अक्सर बेचते जब लेकर जाता हूँ ऑर्डर तो खामोशी से पी भी लेता हूँ, बताना नहीं किसी को। ओके नहीं बताऊंगा। डन डन, यस ये स्पीच बेस्ट है। रियली? यस। परी भी यही कह रही कि स्पीच बहुत बेस्ट है। वाओ दीपी जी कितनी हैप्पी हो जाएंगी ना। यस बुबू, अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च तुम्हें ये स्पीच याद करनी होगी क्योंकि देख के पढ़ने वाले जो होते हैं उनकी डिग्रियां जाली होती है। नो, मेरी डिग्री जाली नहीं है। नो बुबू, तुम्हारे पास डिग्री नहीं है अभी। तुम बोल रहे डिग्री जाली, तुम्हें 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 से याद करना होगा, बैठो। ओके okay. परी परी साइड पे, सॉरी सॉरी बोलो यार, सॉरी आई एम सॉरी परी, आई एम सॉरी। याद करो, इधर आ जाओ। हो गया याद? अभी तो कर बैठा है ये। सॉरी बंद कर दूं? नो 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 नो। अरे वाह भाई बुबू, स्पीच तो बहुत अच्छी लिखी है, किसने लिख के दी है? ये वो है ना टेंशन वाला परेशान। अच्छा अच्छा। उसने एक दिन ना एक अंकल थे वॉशरूम गए, वॉशरूम बहुत गंदा हो गया, स्टिंकी ऐसे, और टॉयलेट पेपर भी नहीं है, ऐसे बैठ हैंड होते हैं। थैंक यू ओके बीबी।